हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल सबास कॉर्नर। आज मैं आप सबके लिए एक न्यू वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें आप देख सकते हैं मैंने सारे एयरटाइट कंटेनर्स मंगा रखे हैं सिर्फ और सिर्फ आप सबके लिए, ताकि बहुत से लोग सर्च करते हैं कि एयरटाइट कंटेनर लें, उन्हें बहुत सी चीज़ें स्टोर करना होता है और उसमें हम साइजेस भी डिफरेंट सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो ये हमने आप सबके लिए ही शेयर किया और ये हमने बाय किया था अमेज़ॉन से, ताकि आप सबको ईजिली लिंक्स भी दे पाए। सभी प्रोडक्ट्स के लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। ब्रांड नेम जैसे कि अभी मैंने शो किया आपको राइट साइड में दिख जाएगा, इट इज़ FLODET, फ्लोडेट इज़ द ब्रांड नेम, एंड लिंक सभी के डिस्क्रिप्शन में दिए गए। सो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन चेक करना ना भूलें, ताकि आपको आसानी से आप बाय कर सके। फर्स्ट प्रोडक्ट मैं अभी दिखाने लगी हूँ, जो कि आपको 2 kg का मिलता है, जो कि 2 kg 100 ग्राम इसका एग्जैक्ट मेजरमेंट है। अगर आप ये प्रोडक्ट देखेंगे तो ये 100% प्रीमियम क्वालिटी का आपको मिलता है, प्लस इसकी प्लास्टिक जो रहेगी जेन्युइन क्वालिटी की रहेगी। एंड इसमें आप दाल वगैरह स्टोर कर सकते हैं, या फिर अगर आप ओट्स स्टोर करना चाह रहे हैं ओट्स कर सकते हैं, या फिर अगर आप पिकल स्टोर करना चाह रहे हैं पिकल कर सकते हैं। इसका ये टाइटली लॉक होता है एंड ये BPA फ्री प्लास्टिक होती है। सेकेंड प्रोडक्ट की तरफ चलेंगे, जो कि मैंने एक बड़ा वाला बॉक्स मंगाया है, जो कि 3 kg का है। 3 kg से बढ़ के है ये, एक्चुअली 3 kg 800 ग्राम्स का कुछ करीब है ये। ये आप ब्रेड रखने के लिए ले सकते हैं, बहुत से लोग ब्रेड मंगाते हैं, ब्रेड को स्टोर करने के लिए एक अच्छा सा एयरटाइट कंटेनर देखते हैं, तो ब्रेड स्टोर करने के लिए आप ये फॉर श्योर ले सकते हैं। एंड इसमें आप चाहे तो मेरी नज़र में आप इसमें लेंटल्स वगैरह रख सकते हैं, यानी कि दाल वगैरह जो कि ज़्यादा क्वांटिटी में हमारे पास होती है ना, वो रख सकते हैं। तो ये आपको बेनिफिशियल रहेगा एंड ईजिली ये लॉक होता है, इसके साथ लॉक का ऑप्शन बहुत अच्छा प्रोवाइड किया गया है। एंड थर्ड प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं, मैं थर्ड प्रोडक्ट भी आपको बताने लगी हूँ। एंड एक और बात बता दूँ, ये BPA फ्री इसलिए इससे आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, माइक्रोवेव में भी आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये ड्यूरेबल क्वालिटी का होता है। इसलिए आपको ये जो प्रोडक्ट की जो प्लास्टिक दी गई है वो प्रीमियम क्वालिटी की है। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। अलग अलग मेजरमेंट्स के मैंने इसलिए मंगाए थे ताकि आप सबकी हेल्प हो जाए। अभी जो मैं प्रोडक्ट ओपन कर रही हूँ वो आप देख सकते हैं, ये आपको मिलता है आई गेस इसका मुझे उतना याद नहीं है, ये 1800 ml का बॉटल है। यस जी हाँ, 1800 ml का ये आपको मिलता है। इसमें आप भिंडी वगैरह भी कट करके रख सकते हैं, वेजिटेबल्स रख सकते हैं, आपकी चॉइस है। ये जो छोटा वाला बॉक्स बता रही हूँ, ये स्पेशली मैंने इससे सोचकर ये मंगाया था कि आप इसमें बटर रख सकते हैं। बहुत से लोग बटर के लिए बॉक्स ढूंढते हैं ना, तो बटर के लिए भी हमने सोचा कि एक बटर के लिए भी साइज़ का हम प्रोडक्ट मंगाएंगे, यानी कि बटर रखने के लिए, या फिर ड्राई फ्रूट्स रखिएगा, आपकी चॉइस है, जो रखना है आपकी मर्ज़ी से रखिएगा। अभी ये आपको मैं क्लोज़अप भी उसका दिखाने लगी हूँ। इसमें आप देख सकते हैं कि ये दिखने में कुछ इस तरह से बनाया गया है। अभी चलते हैं छोटे वाले बॉक्सेस की तरफ, ये तो बड़े थे, अब मैं छोटे से स्टार्ट कर रही हूँ। ये 1300 ml का बॉक्स, यानी कि बॉक्स मैंने मंगाया है। 1300 ml का इसलिए मंगाया था क्योंकि जो हमारे किचन के हमारे मसाले वगैरह होते हैं ना, मसाले स्टोर करने के लिए ये काम आएगा, क्योंकि हम जैसे कि चाय पत्ती रखते हैं, शुगर रखते हैं, अलग अलग चीज़ें रखते हैं ना किचन में, तो वो रखने के लिए आप ये कंटेनर ले सकते हो। मिर्ची वगैरह रख सकते हैं, तो ये आपको उस टाइप में काम आ जाएगा। एंड इसको जिस तरह से डिज़ाइन किया गया है, सबके अलग अलग शेप्स हैं, आप एक चीज़ देख सकते हैं, आपको राउंड में भी मिलेगा, स्क्वायर में मिलेगा, रेक्टेंगल में मिलेगा, हर शेप में आपको मिलता है। इनके पास बस यही शेप्स नहीं है, काफ़ी ज़्यादा है। एक और एक प्रोडक्ट ओपन करने लगी हूँ, ये आप देख सकते हैं, ये रेक्टेंगल शेप का है, बट इसकी जो मेजरमेंट है ये भी 1800 ml का है, थोड़ा सा डिज़ाइन अलग है बट 1800 ml का ही है, सेम मेजरमेंट का हमने और एक पीस मंगाया था। इसमें आप देखिए रागी वगैरह स्टोर कर सकते हैं, या फिर अगर आपने वेजिटेबल्स कट करके रखना है तो रख सकते हैं, इवन आप गोश्त वगैरह भी रख सकते हैं, यानी कि मीट वगैरह भी रख सकते हैं, आपकी चॉइस है। अब मैं सबसे छोटे वाले दो बॉक्सेस दिखा रही हूँ, जो कि बहुत से लोग छोटे बॉक्सेस भी सर्च करते हैं, टिफ़िन वगैरह पैक करके देने के लिए, ऑफिस को किसी को देना हो, या फिर कहीं आप बाहर आउटिंग के लिए जा रहे हैं, आप छोटा सा टिफिन डब्बा लेकर जाना चाहते हो ये ले सकते हैं, या फिर किचन में बहुत से लोग छोटे डब्बे रखना पसंद करते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं रखना पसंद करते हैं मसाले के लिए, तो अगर आप मसालों के लिए चाहते हो तो ये मसालों के लिए भी बिल्कुल आप ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये राउंड शेप का है, जिसे राउंड शेप में चाहिए ना, ये उनके लिए मैं मंगाई रखी हूँ, क्योंकि राउंड भी बहुत से लोग प्रीफर करते हैं। लास्ट में एक छोटा सा बॉक्स बता रही हूँ, जो कि काफ़ी छोटा है, 500 ml का है, यानी कि आधा किलो आएगा इसमें जो भी आएगा, तो आप इसमें देखिएगा पनीर वगैरह रख सकते हैं, मेरी नज़र में फ्रिज में आप कुछ स्टोर कर रहे हैं पनीर रखिएगा, या फिर चीज़ रखिएगा, या फिर अगर आपने वेजिटेबल्स छोटे छोटे कोथमीर जैसे होती है, लेंटल्स होते हैं, सब रख सकते हैं आप, आपकी चॉइस है। एंड मैं सजेस्ट करूँगी कि ये सारे प्रोडक्ट्स आप बाय करिएगा, क्योंकि प्रीमियम क्वालिटी के हैं, मैंने पर्सनली इसे इस्तेमाल किया है, मुझे काफ़ी अच्छे लगे, वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं इनके पास। ब्रांड नेम एक और बार बताना चाहूँगी, इट इज़ FLODET। प्लीज़ आप मेरे वीडियो के लिंक्स विजिट करना, डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी लिंक्स है सभी प्रोडक्ट्स के, ईच एंड एवरी प्रोडक्ट का लिंक दिया गया है, हमने इसलिए दिया है ताकि आपकी हेल्प हो जाए। हम वीडियो इसलिए बनाते हैं ना कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो और आपका लॉस ना हो और आपको अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट मिल गए। तो ये था हमारा छोटा सा रिव्यू वीडियो, जिसमें हमने आपको कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बताए जो कि आपको डेली यूज़ में काम आते ही आते हैं। तो प्लीज़ आप ये वीडियो को शेयर करना जितना हो सके, मैं यही कहना चाहूँगी, और मैं मिलूँगी आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।